सुनिए। हाँ बोल। आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि हम लोग साथ में कहीं पिकनिक पर जाएं। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुझे लगता है मैं ऐसे ही फोकट बैठा हूँ? अगर मैं पूरा साल काम करेगा ना फिर भी पैसा नहीं चुका पाएगा, तेरे को पिकनिक जा। करेक्ट बोला भाई, करेक्ट। कौन पूरा दिन पिकनिक जाकर बिरयानी खाकर अंताक्षरी खेलकर अपना दिन बर्बाद करेगा? चलो भाई कुछ काम करते हैं। जानू मैं सैयद भाई के साथ काम पर जा रहा हूँ। के भाई भाई भाई, हम वापस कब लौटेंगे? रात को। हाँ रात को लौटेंगे। एक मिनट एक मिनट। हे ए झूठी, तुम अब तक यहीं हो? याओ याओ। ए क्या कर रही हो? अरे ए बच्चे हैं, थोड़ी सी शर्म करो। अरे छोड़ो, अरे शर्म करो यार। ओ क्या कर रही हो, छोड़ो, रात को आऊंगा ना। बाय बेवकूफ। आपने कहा था रात हो जाएगी ना, लेकिन रात तक कौन इंतजार करेगा, इसीलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग किस दे दी। अब इसका असर पूरा दिन रहेगा। बिना रोमांस के शादी कैसी भाई? चलिए काम पर चलते हैं। भाई एक मिनट, अपुन आता है। सैयद भाई। वालेकुम सलाम। हेलो। क्या कर रही हो मेरी जान? तुम्हें यहाँ से निकालने का मास्टर प्लान बना रही हूँ। चो चुईट, आई लव यू जानेमन। रैम्बो। जानू मैं और सैयद भाई अभी अभी गैरेज सही सलामत पहुँच गए। यही बताने के लिए फोन किया था। हे नॉटी, आज सुबह तो एक किस दिया था। चलो ओके, एक और चाहिए ना। ओके जानू, बाय, लव यू। क्या हुआ सैयद भाई, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वो क्या है ना भाई, हम मर्द एक बार काम पर निकल जाते हैं तो सब कुछ भुलाकर बस काम में बिजी हो जाते हैं, मगर बीवियां थोड़ी अलग होती हैं। हम काम पर सही सलामत पहुंचे या नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना, यही हमारे बारे में सोचती रहती है। जब वो हमारे बारे में इतना सोचती है तो हमें भी उनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। यही असली मर्द की निशानी होती है भाई। कहाँ जा रहा है भाई? आता हूँ एक मिनट में। जी क्या कर रही हो? बस आप ही के ख्यालों में खोई हुई थी। पता है, इसलिए तो फोन किया। आप ठीक है ना जी? हाँ चिंता मत कर, मैं दुकान आराम से पहुँच गया हूँ, तू घर पे आराम करना, ठीक है ना? ठीक है जी। और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। सैयद भाई आप कभी रोमांटिक पिक्चर नहीं देखते क्या? नहीं देखता। सलाम अलैकुम सैयद भाई। वालेकुम सलाम अमजद भाई। कौन है ये छोकरा? अमजद भाई खड़ा है और ये बैठकर चाय के मजे ले रहा है। अरे आप बैठिए ना। हेलो। अरे जानू जानू जानू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, अमजद भाई को है। पूरे स्टाइल में एंट्री मारी, मुझे उठाकर खुद बैठ गए, फिर जो धड़ाम से गिरे, बाय गॉड इंजन ऑयल से अपना मुंह काला कर लिया। बेचारे अच्छे भले काले कलूटे हो गए। तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? ओके ओके, बाय बाय बाय। तू ये बकवास भी अपनी बीवी को बताता है? एंटरटेनमेंट भाई एंटरटेनमेंट, हमारा क्या है? हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो आए दिन ऐसे चार जोकर मिल जाते हैं हंसाने के लिए, लेकिन वो तो चार दीवारी में कैद हैं, उनके एंटरटेनमेंट का क्या? मर्दानगी इसमें नहीं कि आप अपनी बीवी को कितना डराते हैं, जो अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कान लाता है वही असली मर्द होता है। आता हूँ मैं। जी अरे वो अपने अमजद भाई है ना, वो जैसे ही बेंच पर बैठे वो बेंच टूट गया और उनका मुंह पूरा ऑयल से काला हो गया। फिर क्या जोक मारा मैं, हंसो। आजी एक चुम्मा दो ना। या अल्लाह। बीच में अल्लाह क्यों? दो ना। आई लव यू। मैं भी। ओके बाय।
हे मुस्कान, इतना शर्मा क्यों रहे हो? वो अनु अनु हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आती है। इससे अचानक क्या हो गया? अनन्या, क्या हुआ? अनन्या, क्या हुआ? मुस्कान की डिलीवरी का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। मुस्कान, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान, धीरे से रखो। मुस्कान, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, पर पड़ोस के गांव में है। तो ठीक है, बस निकल जाते हैं। नदी पार करके जाना होगा बेटा। सैयद कहाँ? बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। जल्दी 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 आओ। सैयद भाई, पानी है, लाओ लाओ लाओ, ये लो पी लो। क्या हुआ बा? मुस्कान की तबीयत। मुझे डर है कि इस तरह बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। पर इतनी तेज बारिश में हम हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे इसे? तुम्हें तो इसका बहुत तजुर्बा है, तुम्हें कुछ करो। मुझे जितना आता था मैं सब करके देख चुकी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो दोनों की जान आफत में आ सकती है। जान को आफत? देखिए सैयद भाई, आप हौसला मत हारिए, आप हौसला रखोगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। चलिए, कोई और तरीका तो होगा। मुस्कान, उठाइए इसे। ऐसी हालत में इसे कहाँ ले जाओगे, पागल हो गए? यार आप चुप रहिए, प्लीज प्लीज सर, हम कोशिश कर रहे हैं। भाई उठाइए। नहीं नहीं, सैयद दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहा है? अब मुस्कान, अरे तुम लोग इसे इस हालत में कैसे ले जा सकते हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे अकल आपकी कुछ चीज है कि नहीं, बारिश में कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत घबराना। अरे वो डूब जाएगी, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तुम डॉक्टर हो क्या जो इसे पानी में डाल रहे हो? दोनों जिंदगियां बचाने का कोई और तरीका आप में से कोई जानता है? जानता है क्या? भाई मेरा भरोसा कीजिए, जब हालात ऐसे मुश्किल होते हैं तब पानी में डिलीवरी की जा सकती है, यही एक रास्ता है। मेरा भरोसा कीजिए, दोनों की जान बचाने का यही रास्ता है। कोशिश करती रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आराम से, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई कोई भी औरत बच्चे को जन्म देते वक्त अपने पति का हाथ थामना चाहती है, उस पल में वो खुदा से ज्यादा पति पर भरोसा करती है। चलिए भाई उसका हाथ थामिए और उसे हिम्मत दीजिए। पर रेम्बो मैं उसे क्या बोलूं? सांस लो मुस्कान। भाई जो आपके मन में आए बोलिए, लेकिन भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, घबराओ मत मुस्कान, सब ठीक हो जाएगा। भाई जाइए, भाई जाइए, भाई जाइए। हिम्मत से काम ले बेटा, और जोर लगा। बैठिए भाई, हिम्मत नहीं हारना, उसका हाथ पकड़िए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्यार जताना नहीं आता। पर मुझे अपना प्यार जताना नहीं आता। जब तक तुम मेरे साथ थी मैं प्यार का मतलब तक नहीं जानता था। जब तक तू मेरे साथ थी मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। मगर अब जब लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा तो एहसास होता है कि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं मेरी जिंदगी हो। मगर आज जब लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा तो एहसास होता है कि तुम मेरी जिंदगी, मुस्कान तुम मेरी जिंदगी हो, मुस्कान तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है, उसे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। एक बार जो तुम्हारा हाथ पकड़ा तो उसे मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। हिम्मत मत हारो मुस्कान, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखो, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा मुस्कान। Oh, no, no.
होते तो चलो अपना ख्याल रखना। चलती हूँ मुस्कान। सैयद भाई, रैम्बो भाई। मैं आता हूँ। क्या आता हूँ मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। माफ करना बेटा। अरे गुस्से में पता नहीं क्या कह गया। सर आप मुझसे बड़े हैं, आपका हक बनता है। चलता हूँ आंटी। जुग जुग जियो बेटा। चलती हूँ आंटी। बेटी रैम्बो यहाँ मेहमान बनकर आया था, इस घर को उसने खुशियों से भर दिया है, अब वो बेटा बनकर जा रहा है। तुम्हारा नसीब वाकई बहुत अच्छा है जो तुम्हें रैम्बो जैसा पति मिला है। जब वो दूसरों का इतना ख्याल रखता है बेटा, तो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा। तुम जिंदगी भर रानी बनकर रहोगी। रैम्बो हम साथ गए और साथ आए, और अब जाकर तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो। सॉरी। तो चले। ब्रदर वेलकम, मेरे मम्मी पापा। बैठो ना। क्या हुआ, आज मुझे ढूंढते हुए घर तक आ गए? शादी का इनविटेशन देने के लिए तो वैसे मैंने आदमी रखे हुए हैं, मगर सोचा तू अपना खास है, इसीलिए मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। उस दिन अनन्या को छेड़ने के लिए तूने उन लड़कों को बुरी तरह मारा और फिर बिना कुछ करे जिंदा छोड़ दिया, मगर मैंने एक एक को गोली से उड़ा दिया। अनन्या को छेड़ने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। क्यों, डर लग रहा है? पता नहीं मुझे क्या खुजली है, मगर जो भी अनन्या के करीब आएगा वो सीधा मौत के घाट उतरेगा। एनीवेज रैम्बो, तो मेरी और अनन्या की शादी में अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। आएगा ना? जरूर आऊंगा। वैसे भी बिना दूल्हे के शादी कैसे हो? अगर गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर दूं, तूफान से पहले की शांति के लिए। मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में लिखा है। ये क्या, शादी मेरे बेटे की हो रही है और पूरा खर्चा तुम उठाने वाले हो? हे दिव्या, एक गुड न्यूज दूं, 10 और 11 तारीख को मेरे भाई की शादी है, मिस मत करना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती हूं। एक बात बोलूं रैम्बो, तुम सबको शादी में आना है। मुझे लगा था कि सिर्फ तू ही बहादुर है, पर यहाँ तो तेरी पूरी फैमिली बहादुर है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरा नाम सुनकर, तो फिर तू किस खेत की मूली है? हजारों जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन जो गरजता है वो सिर्फ शेर होता है। ओके देन, खेल शुरू करते हैं। मैं तुझे पूरे 10 दिन का वक्त देता हूं। अगर इन 10 दिनों में अनन्या ने आकर तुमसे आई लव यू कह दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11वें दिन हम शादी करेंगे। 11वें दिन हम जो करते हैं उसे शादी नहीं कहते ब्रदर, शोक सभा कहते हैं। अगर तुमने अपनी शोक सभा मेरे शादी वाले दिन रखने की सोची है तो उसमें कोई क्या करे। अगर शादी में कोई बिना मैचिंग की ड्रेस पहन के आया तो दरवाजे से। अरे ये क्या किया तुमने, मेरे बेटे के साथ साथ सबको बिजी कर दिया। 10 दिन रह गए अब। रे, इनविटेशन भेजने हैं, सबके कपड़े खरीदने हैं, कितने सारे काम बाकी है। हेलो चंद्रा, अच्छा मैं क्या कह रही थी। हाँ। मैंने कितने लोगों से कहा कि मेरे बेटे से पंगा ना ले, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उम्मीद है तुम बेवकूफी नहीं करोगे। इन बातों में क्या रखा है? ओ लगता है टाइम हो गया, मुझे ड्यूटी पर जाना है, सरकारी नौकरी है भाई। तुम्हारी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी की अर्जी देनी है। एक बात बताओ, ये सब चल क्या रहा है? तेरे फैमिली वालों को क्या लग रहा है कि तू कोई बहुत बड़ा हीरो है और मैं सबसे बड़ा विलन हूं? अरे मैं भी एक हीरो हूं, फिर से विलन बनने पर मजबूर मत कर। मैं देखता हूं कि तू अनन्या के साथ शादी कैसे करेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस देखता जा बेटा।
अरे वाह, मेरी शादी फिक्स हो गई।